राधे राधे मित्रों, आज हम सेवा कुंज वन के दर्शन कराने वाले हैं, जिसे निकुंज वन भी कहा जाता है। यह निधि वन की तरह ही एक वन है, लेकिन इसमें और इसमें थोड़ा अंतर है, वो हम बताएंगे और आज आपको दर्शन कराएंगे। देखिए, ये है पतली गली और ये जो है, जब आप इमली तला मंदिर के पास दर्शन करने आएंगे तो ये इसके पास में इमली तला मंदिर भी है और दामोदर दास मंदिर भी है, उसी के पास में है ये। अब मित्रों, हम अंदर आ चुके हैं, बाहर यहाँ पे आप चप्पल उतार सकते हैं। देखिए, चप्पल यहाँ से कोई बंदर नहीं ले जाएगा, वैसे निधि वन में बंदर ले जाते हैं क्योंकि ये चारों तरफ से बंद है। अगर बंदर इसमें अंदर भी आ जाते हैं तो भाग नहीं पाएंगे क्योंकि ये बंद है। तो मित्रों, अब देखिए, हम अंदर आ चुके हैं सेवा कुंज में और यहाँ पर आपको पूरा दर्शन कराएंगे और इसके बारे में बताएंगे, इसका रहस्य भी बताएंगे। ये देखिए, यहाँ पर गाइड कर रहे हैं लोगों के लिए, जो बाहर से आए हुए लोग होते हैं उनके लिए गाइड किया जा रहा है यहाँ पर। तो हम चलते हैं आगे और अंदर और आपको दिखाएंगे। देखिए, यहाँ पे फुब्बारा लगा हुआ है, ये बिल्कुल निधि वन की तरह बना हुआ है, जैसा कि निधि वन में है वैसे ही है। तो ये क्या है, ये भी वृंदावन में ही है मित्रों, ये भी बता दूँ, ये भी वृंदावन के अंदर है, जिसे सेवा कुंज कहा जाता है। यहाँ जो है रासलीला की जाती है, कहा जाता है यहाँ भी रासलीला होती है आज भी, और यहाँ भी राधा रानी की सेज को लगाया जाता है और आज भी यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण सेवा करने आते हैं। और ये देखिए, ये था चबूतरा जहाँ पे सुना जाता है कि यहाँ पे आज भी भगवान श्री कृष्ण लीला करने आते हैं। इसमें देखिए, काफ़ी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है ये हरे भरे पेड़ पौधों में से। और ये जाली लगाई है ताकि बंदर इसमें अंदर ना आ सकें, और कुछ लोगों के बंदर मोबाइल चश्मा के वगैरह छीन लिया करते हैं वृंदावन में, ये खूबी है बंदरों की, वो जब तक फ्रूटी नहीं दोगे उनको तब तक वो आपको आपकी चीज़ को वापस नहीं करेंगे। जैसे ही आप उनको फ्रूटी दिखाएंगे वो तुरंत वापस भी कर देते हैं, यहाँ के बंदरों की ये खूबी है मित्रों। तो मित्रों, अब मैं ये बता दूँ कि निधि वन में और सेवा कुंज में डिफरेंस क्या है। तो राधे राधे मित्रों, देखिए ये बहुत ही खूबसूरत है, हरा भरा वन है, अभी बरसात का सीजन है और देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये कितने हरे भरे पेड़ पौधे हैं। तो मित्रों, मैं अभी रक्षाबंधन वाले दिन आया हूँ, इसीलिए ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। देखिए, हम हरिवंश जी महाराज की जो तपस्या स्थली है, बैठक है, वहाँ पर आ चुके हैं। ये मंदिर है, यहीं पे भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। तो इसमें निधि वन में और सेवा कुंज में क्या अंतर है, ये मैं बता दूँ मित्रों। निधि वन जो है हरिदास जी की सेवा स्थली है, तपस्या स्थली है, और जो सेवा कुंज है वो हरिवंश जी महाराज की तपस्या स्थली है। और निधि वन से बाके बिहारी जी प्रकट हुए थे और जो सेवा कुंज है वहाँ से राधा वल्लभ पंत जी प्रकट हुए थे। राधा वल्लभ पंत जी का मंदिर भी बाके बिहारी मंदिर के पास है, जो यहाँ पर प्रकट किए गए थे और बाद में उनका मंदिर बनवा दिया गया था। देखिए, यहाँ पर लोग झुक करके लोट करके प्रणाम करने आते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं और आगे भी आपको दर्शन कराएंगे। तो मैं फिर से बता दूँ, जो निधि वन है वो एक श्रृंगार स्थली है भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की, और ये जो है रास स्थली है, ये माना जाता है यहाँ पे कि यहाँ पे आज भी भगवान श्री कृष्ण निधि वन की तरह यहाँ पे भी रास करने आते हैं। ऊपर से देखने में ये इस तरीके का लगता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे ऊपर से ये सेवा कुंज का, और निधि वन से ये ज़्यादा दूर नहीं है, ये यमुना किनारे पर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। जैसे इमली तला मंदिर के पास आप आएंगे, इमली तला मंदिर के बैक वाले गेट से होके, तो ये निधि वन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए। किसी को भी पूछ लेना, सॉरी सेवा कुंज के, सेवा कुंज के लिए रास्ता कहाँ गया आप, अगर आप निधि वन आते हैं तो सेवा कुंज भी आएँ। देखिए कितनी सुंदर यहाँ पे जड़ी बूटियाँ हैं, मैंने तो इन तरह के पेड़ कहीं देखे भी नहीं है। देखिए कितना खूबसूरत है, फूल आ रहे हैं, खुशबू आ रही है, बरसात का सीजन है, इसे बहुत ही ज़्यादा हरा भरा है मित्रों, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये श्री हरिवंश जी की तपस्या स्थली है और यहाँ से श्री राधा वल्लभ पंत जी प्रकट हुए थे मित्रों। और कहा जाता है कि जब रासलीला हो रही थी तो भगवान श्री कृष्ण जो है रासलीला हो रही थी और भगवान श्री कृष्ण के साथ जो गोपियाँ थीं और जो रास कर रही थी राधा रानी जी, वो जो है थक गई थी और यहाँ पर तब उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी के पैर दबाए थे, उनकी सेवा की थी, इसीलिए इसको सेवा कुंज कहा जाता है मित्रों। और यहाँ पर एक कुआ है जो मैं दिखा देता हूँ, ये है कुआ, ये कुआ भगवान श्री कृष्ण ने खोदा था जब उनकी राधा जी की एक सहेली थी ललिता, जिसको प्यास लगी थी। ऐसा ही कुआ जो है निधि वन में भी है मित्रों, कहा जाता है कि उनको प्यास लगी थी तब इस कुएं को खोदा गया था और तब ये बना हुआ है। ये बीच बीच में कुछ मंदिर बने हुए हैं, देख रहे होंगे मित्रों कुछ, और कुछ महान जो संतों की समाधियाँ भी हैं। और ये जो है श्री राधा जी के चरण हैं, जहाँ पे लोग दबाने के लिए आते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी यहाँ पे राधा जी के चरण दबाए थे मित्रों, इसीलिए सभी लोग यहाँ राधा जी के चरण दबाने आते हैं। तो अब चलते हैं मित्रों हम बाहर की ओर।
मित्रों अगर आपने निधि वन की वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो हमने अपलोड कर दी है बहुत पहले ही, वो देख सकते हैं। अगर आप धार्मिक वीडियो देखने में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे।